जय गुरु। वेलकम टू स्पिरिचुअल टैबलेट। और मेरा नाम है अरुण। मुझे बचपन से ही इंट्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, और मैंने कई बार ये भी सोचा कि अपनी इंट्यूशन कैसे इंक्रीज करूं। इस एपिसोड में हम इसकी ही बात करेंगे और समझेंगे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में इंट्यूशन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हर चीज़ को कितनी डिटेल में स्टडी और एनालाइज किया है। कभी कभी तो मुझे यह भी लगता है कि हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि महान साइकोलॉजिस्ट भी थे। इंट्यूशन का डिक्शनरी मीनिंग है किसी चीज़ को बिना किसी आउटर लॉजिक के समझ जाना, या फिर एक ऐसी फीलिंग जो आपको क्या सही या क्या गलत है इसके बारे में पहले से ही बता दे। लेकिन ऐसा होने का मतलब यह भी हो सकता है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो गई है, और यह भी कह सकते हैं कि हमारी नॉलेज इंक्रीज होने का मतलब है हमारी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होना। ऑर्डिनरली हम सब अपनी लाइफ में बुक्स, एक्सपीरियंस या अपनी आउटर सेंसेस से नॉलेज को एक्वायर करते हैं, इसलिए हमारी नॉलेज और डिसीजन मेकिंग इन आउटर सेंसेस तक लिमिटेड होती है। एज पर आर स्क्रिप्चर्स, इंट्यूशन है अपनी सोल के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस या अवेयर होना। इसके लिए आपको डिग्रीज की ज़रूरत नहीं है, कोई इलिटरेट पर्सन भी इंट्यूटिव हो सकता है, क्योंकि इंट्यूशन की फिजिकल वर्ल्ड से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कितने ही ग्रेट साइंटिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला और इंडियन मैथमेटिशियन जैसे कि रामानुजन, सब ने इन पावर की बात करी है। रामानुजन की इंट्यूटिव पावर तो इतनी स्ट्रांग और एडवांस थी कि उनकी कुछ इक्वेशंस अभी रिसेंटली ही सॉल्व हुई हैं, और एस्ट्रोफिजिक्स में उनका यूज़ हो रहा है, और बहुत सी इक्वेशन अभी भी अनएक्सप्लेन्ड ही हैं। उनका कहना था कि देवी माँ उनको यह इक्वेशंस बताती थी। अब आप इस पावर को इंट्यूशन भी कह सकते हैं। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, इस यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट ट्रुथ और नॉलेज है स्पिरिट और सोल। इनको रियलाइज करने का तरीका है डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन से आप अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करते हैं, और आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप होती है जो इस ग्रेटेस्ट नॉलेज को पाती है। हर इंसान की लाइफ में दो तरह की नॉलेज की ताकतें होती हैं। पहली, पावर ऑफ रीज़न, जो उसकी सेंसेस से वह समझता है और उसका यूज़ आउटर वर्ल्ड को हैंडल करने में करता रहता है। दूसरी, पावर ऑफ इंट्यूशन, यह मोस्टली अंडर डेवलप्ड ही रहती है क्योंकि इसकी प्रॉपर गाइडेंस या ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आपने भी इस पावर को कभी फील किया हो, जिसे हम हंचेस या गट फीलिंग भी कहते हैं। स्पिरिचुअली हाईएस्ट इंट्यूटिव नॉलेज है कि नोअर, नोइंग और नोन, यह सब एक ही है। यह भी कहा जाता है कि जैसे जैसे इंट्यूटिव पावर डेवलप होती है तो हमारे पांच कोश हटते जाते हैं, और लास्ट में अनंतमय कोश हटने पर सोल एक्सपोज हो जाती है, जो कि हाईएस्ट नॉलेज और ब्लिस है। आई होप आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। अंटिल देन, जय गुरु।